श्री गणेशाय नमः। दुनिया भर सनातन धर्म पहुंच गया है और सनातन धर्म में गणेश जी का पहला सम्मान गणेश जी का होता है। पहला पूजन जो है गणेश जी का होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि गणेश लीडर है, गणेश नेता है, वो देश को संभालता है, वो समाज को संभालता है, वो सबको संभालने की ताकत रखता है। तो ऐसा यदि लीडर हम में तैयार हो जाए या जो हम में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो गणेश जी को देखकर यदि हम समाज का, अपने धर्म का, अपने घर का, अपने संस्था का यदि हम नेतृत्व करेंगे तो मुझे लगता है कि गणेश जी का उत्सव, हम पुराणों में जो लिखा गया है कि गणेश जी का ये चरित्र है, गणेश जी ने ये किया है, गणेश जी ने वो किया है, वो सब हम में दिखने लगेगा। तो कामना ये है कि गणेश उत्सव में, पुराणों में जो गणेश जी की चरित्र लीला वर्णन की गई है उनको हम अपने जीवन में उतारे, और उसके लिए वो गणेश जी का पुराण मंच पर हमें व्यक्त करना है, समाज में वो गणेश जी की कथा, गणेश जी का चरित्र हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। तो ये पहुंचाने का सुंदर माध्यम है ये गणेश चतुर्थी महोत्सव। सार्वजनिक स्थल हो या अपने अपने वैयक्तिक स्तर पर हो, मुझे लगता है कि हमें ये गणेश जी का त्यौहार जो है वो बड़े ढंग से समाज में पहुंचाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम देश के लिए और धर्म के लिए ये गणेश चतुर्थी समर्पित करें। उससे क्या होगा कि देश में सनातन धर्म का नेतृत्व जो है, सनातन धर्म में जो हमें प्रतिष्ठा दे रहा है उनका भी हम सम्मान कर सकें, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों की जो संकल्पना है वो हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए हम स्वतंत्र जो है वो ब्रिटिशों से हमने स्वातंत्र लिया, मुगलों से हमने स्वातंत्र लिया, क्योंकि हमें अपने उत्सव, अपने भगवान को हमें जी जान से प्यार करना एक बस माध्यम है। बाकी तो हमें ऋषि मुनियों के जो विचार है वो हमें बसाने की आवश्यकता है। तो समाज में नारी शक्ति हो या बाल वृद्ध हो, सबको गणेश जी की उपासना इन त्योहारों के दौरान करने की आवश्यकता है। ईश्वर को हम समर्पित हो जाए और अपनी बुद्धि जो है वो ईश्वर के चरणों में लीन करें, ताकि हम सात्विक विचार लेकर दुनिया में जी सके। गणेश जी बुद्धि की देवता है, ये बुद्धि यदि हमारी सात्विक रहेगी तो हमारा जीवन जो है वो सुखदायक और आनंदकारक रहेगा, और यही गणेश चतुर्थी का मूल उद्देश्य है कि हम इकट्ठा होकर अपनी भक्ति ईश्वर को समर्पित करें, अपनी बुद्धि ईश्वर को समर्पित करें, और इसीलिए ये गणेश चतुर्थी है। ये गणेश चतुर्थी आपके सारे विघ्नों का हरण करने वाली हो जाए, और गणेश जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सबको, आपके परिवार को सुख समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य ये सब आपको मिले और आप सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी बने। यही आशीर्वाद। मंगलमूर्ति मौर्य। जय सच्चिदानंद।